अभी एमएलए का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, तो इसमें आप क्या देखते हो कि कौन ऐसा आदमी है जो कि ना आपकी सड़क की पानी की तकलीफ नहीं देते? भाई ऐसा है, एमपी नहीं पूरा कर पा रहे तो एमएलए क्या पूरा करेगा। खाली बोले कि भिवंडी शहर में क्या तकलीफ तुमको लगती है? जो सबको दिख रही है वही तकलीफ है। घर का खर्चा पूरा नहीं करता ना कॉर्पोरेटर, ना एमएलए, ना मोदी जी। महेश चौगले साहब है वो ऑलरेडी हमारे एमएलए है। मेरे ख्याल से समत नगर से रिजिबल टेलर है, यहाँ से वो कभी गुजरे नहीं होंगे कि खड्डे का एहसास उनको हो। मैं चाहता हूँ एक बार आकर वो खड्डे का मजा ले जिस तरह हम रोज लेते हैं। अभी पूरब तो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ ना भाई, कितना सुधार हो गया वहाँ पे बजाय पश्चिम के। जो इलाका 15 साल पीछे था हम लोग होते, आज जो 15 साल आगे हो गया, आज जो पुरानी भिवंडी है वो खड्डे से, ड्रेनेज से, पानी से, रास्ते से, हर चीज की तकलीफ तो जूझ रही है ना। भिवंडी की जो खस्ता हाल है वो टोरेंट से ही है, लेकिन वो इतना ज्यादा क्यों ले रहा हो वाले मामा समझे और टोरेंट वाला समझे। हम परेशान सिर्फ टोरेंट की बिल से है जी। विलास पाटिल अगर कांग्रेस का टिकट लाते हैं तो उनके लिए बेहतर है कि थोड़ा सही रेट होकर उनको उठते। हर औरत के लिए माँ बनने का एहसास होता है काफ़ी खास। इसी एहसास में आपका ख्याल रखने के लिए बनाया गया है मदर केयर हॉस्पिटल, जहाँ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इकरा के एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगी प्रीमियम फैसिलिटीज जैसे ट्रेन स्टाफ, हाइजीनिक रूम, इन हाउस सोनोग्राफी, साथ ही ICU और इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी, सीजीरियन या फिर बच्चेदानी निकलना, हर तरह के ट्रीटमेंट बखूबी किए जाते हैं। मदर केयर हॉस्पिटल, द गिफ्ट ऑफ न्यू लाइफ, अबव निशान होटल, बिफोर हाफिज जी बाबा दरगाह, फोर्थ निजामपुरा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, डबल जी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शंस नजदीक आ गए और शहर के, भिवंडी शहर के अंदर सरगर्मियां तेज हो गई है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, और इसीलिए हम टाइम टू टाइम जो है हर एक इलाके का, हर एक वार्ड का सर्वे कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि भिवंडी शहर के अंदर लोगों को इस बात की अवेयरनेस है कि नहीं है कि एक नगर सेवक का क्या काम होता है, एक आमदार का क्या काम होता है। और इसीलिए और इसी तर्ज पे जो है आज हम आए भिवंडी के संबंध नगर इलाके में, संबंध नगर इलाका और जो क्या बोलते हैं यहाँ से लेकर जो कनेरी तक जो जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों से उनकी राय जानेंगे, पूछेंगे कि शहर के अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं जो एक आमदार पूरी कर सकता है, और देखते हैं कि लोगों को इस बारे में कितनी जानकारी है। क्या नाम आपका? महबूब खान। महबूब खान, महबूब खान भाई थोड़ा सा आप यहीं रहते हो क्या? जी। हम लोग सर्वे कर रहे हैं ये जानने के लिए कि भिवंडी शहर के अंदर क्या चीज़ों की कमी है जो कि एक MLA दूर कर सकता है। देखो, तो सबसे पहली तकलीफ तो शहर के अंदर रास्ते की है। हाँ। पानी की तकलीफ है, ड्रेनेज लाइन की तकलीफ है, जो सबसे बड़ी तकलीफ हमारे को इस मोहल्ले के अंदर तमाम, ये जो बगीचा है, समर नगर है, यहाँ ड्रेनेज लाइन की बहुत बड़ी तकलीफ है। ड्रेनेज की तकलीफ? हाँ, बहुत बड़ी तकलीफ है। और पानी की सबसे बड़ी तकलीफ है यहाँ की, कोई पानी का इंतजाम है ही नहीं। एक दिन आता है, दूसरे दिन पानी नहीं आता। बहुत से एरिए में ना सफाई का कोई ख्याल है, ना सफाई होती है। ये जो आप गिना रहे हो ना काम, ये सब जो है कॉर्पोरेशन के काम है, महानगर पालिका के काम है। हम पूछ रहे हैं कि MLA के लायक जो काम है या तो फिर MLA जिस कार्य के लिए चुना जाता है, तो ऐसे कौन से काम है जो कि यहाँ पे होने चाहिए? रोड का काम तो MLA का ही है ना। हाँ। अभी यहाँ से आप चले जाओ लिबर्टी होटल से कनेरी तक, या KMS स्कूल के पीछे। हाँ। या ये हमारा मोहल्ला आज तक जमाना हो गया ना, रोड पर डामर तक नहीं लग रहा वहाँ। जो ये लोगों ने ड्रेनेज की लाइन खोदी थी उसकी वजह से रोड खराब हुआ, उसको आज तक मतलब खाली चक्की लगा के चले। ड्रेनेज के बाद में बनाई नहीं रोड? बनाए है, लेकिन मतलब कैसा बनाए कि वो 4 से 6 महीना चला फिर वही हाल हो गया। जो इतने खड्डे रोड पे इसीलिए है ना, उसको सही तरीके से बनाया नहीं गया। ये अगर RCC रोड पास हुआ है तो उसको सही टाइम पे उसको बनाया जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर अभी काम नहीं हुआ है तो आगे कौन ऐसा आदमी है जो कि काम कर सकता है?
तो देखिए करने के लिए जो भी वेस्ट में करने के लिए तो मैजिस्ट्रेट भी कर सकते थे, बहुत सारा वो काम करा रहे, लेकिन अभी किस वजह से ये सारे काम नहीं हुए या क्यों नहीं उन्होंने किया है। वो उनको ही मालूम, अपन तो बता नहीं सकते। आप मैजिस्ट्रेट को लाएंगे या तो फिर कोई और नया चेहरा देखने जाएंगे? अभी तो देखो उसके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, नए चेहरे बहुत से आ रहे हैं, अब देखेंगे कौन उस लायक है जो शहर का पश्चिम का विकास करे। एक नजर आपके, एक चेहरा आपकी नजर में कि हाँ नहीं यार ये कर सकता है या वो कर सकता है, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। नाम तो भाई साहब बहुत सारे हैं, लेकिन अब किसका नाम लिया जाए अभी, क्योंकि मैं ले लेता हूँ, आप कोई भी एक बोल दो, जैसे कि रियाज आजमी है, विलास पाटिल चल रहे हैं, विलास पाटिल चल रहे हैं, और बहुत से लोग उसमें है, लेकिन जो काम का वादा करेगा उस पर रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग दो की बात करते, रियाज आजमी या विलास पाटिल, आपको क्या लग रहा है अगर एक्सपीरियंस के लिए हम लोग बात करें काम के लिए? तो देखो अगर रियाज आजमी भी बेहतर है, लेकिन रियाज आजमी का भी उतना एक्सपीरियंस नहीं जितना विलास का एक्सपीरियंस है। विलास पाटिल अगर कांग्रेस का टिकट लाते हैं तो उनके लिए बेहतर है कि पूरा शहर एक होकर उनको वोट दे। वो आदमी काम करेगा नगर पालिका, विलास पाटिल कांग्रेस की टिकट चाहते तो उनके लिए आसान। हाँ बिल्कुल, हम लोग पब्लिक करेंगे, इनको पब्लिक उनका काम करेगी। यार रियाज आजमी उनका क्लब होता है, रियाज आजमी ही लड़ते हैं, तो भाई वो भी अभी कैसा समाजवादी का कैंडिडेट पूरब में है रईस, उन्होंने काम कर दिखाया ना लोगों को, तो अगर उनके नेतृत्व में ये लड़ते हैं उनके सपोर्ट में कहाँ रहेगा रियाज आजमी और रईस का तो जनता ही नहीं वो तो। अगर दोनों के खिलाफ फिर भी आसिम भाई का अगर दबाव है उनके ऊपर, ये आसिम भाई काम करवाते तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी पूरब तो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ ना भाई, कितना सुधार हो गया वहाँ पे, बजाय पश्चिम के जो इलाका 15 साल पीछे था हम लोगों से, आज जो 15 साल आगे हो गया, आज जो पुरानी भिवंडी है वो खड्डे से, ड्रेनेज से, पानी से, रास्ते से, हर चीज की तकलीफ से जूझ रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये शहर के जो नेता जिम्मेदार है उनका काम था ना जी, सिर्फ वोट लेना काम है, शहर का विकास भी करना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। भिवंडी शहर में क्या तकलीफ तुमको लगती है? जो सबको दिख रही है वही तकलीफ है, रोड रोड। अच्छा, एक रोड की तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ। तो आपको क्या लगता है तकलीफ कौन दूर कर सकता है अगर हम लोग एमएलए की बात करें, जैसे कि एमएलए कैंडिडेट की अगर हम बात करें? अभी हमारे इधर का तो मैच चौकले है, उसी को करना चाहिए। अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी इलेक्शन आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन ऐसा आदमी है कि जो अगर आ गया, जीत गया तो और भिवंडी की तरक्की होगी, तो फिर आपके इलाके में जो है वो तकलीफें दूर होगी? वो तो हमारा फिर नगर सेवक याकूब। अच्छा, हाँ। तो याकूब भाई अगर एमएलए लड़ेंगे तो मतलब वो सब दूर करेंगे? इंशाल्लाह लड़ेंगे तो हम जिताएंगे। ठीक ठीक, अच्छा लड़ेंगे तो हम जिताएंगे भी, बिल्कुल पूरी मेहनत से। तो मतलब याकूब भाई का पूरा एरिया जो उनका वार्ड है पूरा रहेगा? हाँ, अरे उनको कुछ भी बोलो डायरेक्ट आते हैं। लेकिन वोट तो पूरी भिवंडी के लिए चाहिए ना? हाँ तो पूरी भिवंडी के लिए, पूरी भिवंडी में। आप लोग कैंपेनिंग करेंगे? हाँ पूरी करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। चलो कैंपेनिंग अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि भिवंडी में क्या चीज की कमी है जो पूरी हो सकती है एमएलए द्वारा? भिवंडी में रास्ता, पानी और रास्ते की बहुत खराबी है, रास्ते की और पानी की, पानी की, पानी गंदा आ रहा है। अच्छा, पानी यहाँ समंदर गर्मी में गंदा आ रहा है? हाँ गंदा आता है यहाँ पे। तो ये कौन दूर कर सकता है? अच्छा एमएलए कौन आपकी नजर में कौन है, कोई नया चेहरा ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ यार ये आदमी आ जाएगा तो कर देगा? विलास पाटिल हो सकता है कर दे। अच्छा, विलास पाटिल आपको लग रहा है कि हो सकता है? हाँ। ऐसा क्यों, विलास पाटिल ऐसा लग रहा है कि वो कर सकती है? अच्छा, मतलब आपका ये आपकी फीलिंग है? हाँ ये मेरी फीलिंग है। सर विचार रहे हैं कि भिवंडी शहर में किन चीजों की कमी है जो कि एक एमएलए जो है उसको पूरा कर सकता है? भाई ऐसा है, एमपी नहीं पूरा कर पा रहे तो एमएलए क्या पूरा करेगा? वैसे तो पूरे शहर में सब जगह खड्डा ही खड्डा है, जब इनकी गणपति आए कुछ भी आए तो ये रोड बनाना शुरू करते हैं। नहीं आप इनकी मत बोलो, वो हिंदू मुसलमान ऐसा मत बोलो। खड्डा शहर में कब होता है भाई? कब होता है खड्डा पेक? कब होता है पेक ये तो बताओ जरा। नहीं नहीं, वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उसको अभी तो क्या है, सब चीजें जो है कंक्रीट हो रही है। हाँ। कंक्रीट हो रही है तो फिर वो सारी चीजों का मतलब जैसे डामर का खड्डा होने का सवाल ही नहीं रहेगा ना। हाँ। काफी काफी रोड जो बन रही है। हाँ। तो आपको मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये एक रोड हो गया। हाँ। एक मसला हो गया, आप रोड के ऊपर बोलो कि हाँ ये रोड हमारी नहीं। भाई हमारे इधर ये लिबर्टी से समद नगर आते है, आज तक कितने मरतों लोग एमएलए बने, एमपी बने, आज तक खड्डा पेक नहीं हुआ। हम लोग परेशान रहते, हमारी गाड़ी लाते है टूटते रहती है, हम लोग को उसका कोई देखने वाला थोड़ी ना।
देखना तो हमको ही है, हमको ही जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता है नेता लोग का, लेकिन कोई नेता सुनने वाला नहीं, ना महेश चौगले सुनता है ना कोई नेता नहीं सुनता हमारा। तो आपको वही मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या लग रहा है कि कौन सा नेता भी है जो सुनेगा आपकी, जिसको लाना चाहिए? अभी तो बहरहाल कोई नेता है नहीं, एक ही नेता था अंदर है। अच्छा, खाली उसके अलावा कोई नहीं है। तो अभी जो नाम चल रहे हैं भावी आमदारों के, तो उसमें कोई एक नाम आपको ऐसा लग रहा है कि इनको लाना चाहिए? इसमें कौन कौन अभी तो मालूम नहीं पड़ रहा, खड़े हो मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी विलास पाटिल का नाम आ रहा है काफी इसमें है, फिर बाद में रियाज आजमी भी मेहनत कर रहे हैं, फिर उसके बाद में तला मोमिन है, रशीद ताहिर है, ये लोग सब किसी पे उम्मीद है नहीं, कोई बनाने लायक कुछ है नहीं। बहरहाल अगर जीतेगा तो तला ही जीत जाए तो अच्छा है हमारे लिए, अगर सुन लेगा कुछ, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है, वो तो सुन ले कुछ, बाकी वो तो करने लायक तो कोई नहीं कुछ है। अच्छा, MIM से आपकी क्या ये है कि MIM का कोई आना चाहिए क्या? MIM का आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? सब लड़ना चाहिए, सबका हक है, मुसलमान का हक नहीं है क्या लड़ने का? लड़ेगा, जीते हारे वो तो ऊपर वाले का। आपको लग रहा है MIM से कैंडिडेट, चलो अभी गुड्डू भाई तो मतलब नहीं है, बाकी और कोई आपको लग रहा है MIM का ये MIM का? कोई लग नहीं रहा भाई। अच्छा, कोई नहीं लग रहा? अच्छा, अभी तक कोई नहीं लग रहा, कोई नेता नहीं लग रहा उसमें MIM के लायक, कोई नेता है नहीं, खाली खालिद गुड्डू है वो अंदर है, बाकी कौन है अभी इधर पे देखेंगे आगे क्या होता है। चलो ठीक है, क्या नाम है आपका? फिरोज अहमद। हाँ, फिरोज अहमद। फिरोज अहमद, अरे हमारे हम नाम है। फिरोज भाई थोड़ा सा बताओ, हम लोग थोड़ा सा सर्वे कर रहे हैं, आप ये मेरे को बताओ कि आप समझ नगर में रहते हो, ये जो एरिया यही रहते हो आप? समझ जी, तो समझ नगर में आपको क्या कमी लग रही है, मतलब कि जो चीज होनी चाहिए जो काम? बच्चे लोग पढ़े स्कूल में कोई काम नहीं हो रहा है, ना तो उसका कलर है ना कुछ है। अच्छा, ऐसे ही मतलब स्कूल सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट भी हो सरकारी भी हो। अगर सरकारी है तो आप सरकार से शिकायत कर सकते हैं, अगर सरकारी तो आप सरकार से शिकायत कर सकते हैं, और अगर प्राइवेट है तो आपको मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आपको क्या, या तो भिवंडी शहर में भी चलो बताओ कि आपको क्या तकलीफ नजर आए? सड़क का तकलीफ है, और क्या सड़क की तकलीफ है, और पानी का तकलीफ है, पानी का तकलीफ है। अच्छा, तो अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है, अभी MLA का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, तो इसमें आप क्या देखते हो कि कौन ऐसा आदमी है जो कि ना आपकी सड़क की पानी की तकलीफों को दूर करे? देखो अभी सोचे समझे, इलेक्शन तो आने वाला है ना, अभी हो नहीं रहा है ना। हाँ, आएगा, देखेंगे कौन अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से काम करेंगे। और सड़क पानी जो है, मतलब जैसे कि पानी वगैरह, ये तो नगर सेवक का काम है, बराबर काम भंग है तो कहाँ से करेगा? नहीं, अब मेरे पास कहाँ से करेगा? मैं नगर सेवक पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पानी वगैरह हो गया, गटर का हो गया, ये सब नगर सेवक का काम है, कर रहा है MLA का काम अलग है, कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि MLA के जो काम होते हैं वो उस नजरिए से देखो, मेरा ये बोलना है कि जो MLA के काम होते हैं उस नजरिए से देख के आप बताओ। जैसे कि अभी जैसे आपने शिक्षा का बोला, स्कूल का बोला कि हाँ ठीक है, स्कूल के अंदर होना चाहिए, हॉस्पिटल वगैरह हो गया, तो इस चीजों में जो है MLA जो है काम कर सकते हैं? हाँ, MLA तो कर सकता है ना, उसका फंडा है, बड़ा कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं ना भाई। हाँ, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई कलर नहीं, कैसा दिख रहा है इसमें, और कहीं बाकी एरिया में जाओ कैसा दिख रहा है? कम नहीं बोले, कुछ नहीं उपड़ा, देना माइक आया ना, कम बोले क्या? पूरे भिवंडी को जागरूक ही करवाए, माइक क्या बोलूं, नहीं बोलूंगा। अरे सुनो, क्या होगा, मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं बोलना है, वो रोड का फोटो लेके डालो, वो रोड का फोटो ना। हाँ, और क्या क्या तकलीफ बना के दोगे क्या, और क्या क्या तकलीफ है बताओ, मेरे को गिनाओ ना। समझनगर में सिर्फ एक तकलीफ है वो। अच्छा, बाकी हमारे हमारे पास में याकूब भाई जो तकलीफ है वो याकूब भाई सॉल्व करते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन रोड नहीं बना। सुनो, याकूब भाई जो है ना नगर सेवक है, हम लोग बात करें कि आने वाला चुनाव जो है वो MLA का है, गाड़ी आ रही है, वो नजरिए से हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें हम बताए आपको पूछना चाहते हैं कि क्या क्या ऐसा भिवंडी शहर में बोलो या तो आपके एरिया में बोलो जो MLA काम कर सकता है? MLA अगर काम किया है तो सिर्फ रही से काम किया है जी, है ना, उसके अलावा तो कोई काम नहीं किया है, मुझे दिखा नहीं और शायद किसी को नहीं दिखा, यहाँ पे जितने खड़े जी किसको दिखा है क्या? रईस शेख का काम जो भी देखा है, जितने भी सिर्फ रईस शेख ही दिखा है, तो क्या मैं यहाँ से खड़ा कर सकता हूँ उसको? नहीं कर सकता, वो नहीं आएगा, मैं चाह रहा हूँ कि वही आए जी, क्योंकि अंदर गली गली में घुस घुस के उसने काम करवाया, जनता जो भी है उसको किसको क्या चाहिए, कोई किसी का घर पूरा नहीं करता, बराबर, कोई किसी के घर का खर्चा पूरा नहीं करता, ना कॉर्पोरेटर, ना MLA, ना मोदी जी, कोई नहीं करता, डालना ये भी मोदी जी का भी डालना, बिल्कुल डालना। हाँ, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, रोड, पानी, बराबर, हमारे समझ नगर में पानी बहुत अच्छा आता है, याकूब पे हमारे कॉर्पोरेटर बहुत मेहनत करते हैं हमारे पीछे, और वो कर ही रहे और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। रही बात MLA की, तो हमको कुछ ऐसा MLA लाकर, कोई है वैसा अगर उम्मीदवार
तो वो आ जाए और अपना काम। सर में कोई है क्या वेस्ट में कोई ऐसा उम्मीदवार है कि हाँ नहीं ये आदमी आ जाएगा तो ये वाकई में वैसा काम करेगा जैसे आप बोल रहे हो रईस भाई करते हैं? नहीं, बोलने का तो जैसे भी आप अगर एमपी के इलेक्शन में देखे थे तो बाले मामा हमारे आए, हमने उनको सपोर्ट दिया, बाले मामा को हमने सपोर्ट दिया। हम कपिल पाटिल हमारे पुराने एमपी भी रहे थे है ना, तो हमसे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमको नया चेहरा चाहिए था, हमने ला कर दिया। टोरेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है ना, भिवंडी की जो खस्ता हाल है वो टोरेंट से ही है। मैं भी एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, ठीक है, हाँ मेरा ईगल फर्म मेरा चलता है, लेकिन हमको कोई ना रोड अच्छा मिला ना टोरेंट का अभी तक कोई सहूलत हमको मिली जिस बिना पे वो बाले मामा जी आए थे जी। तो उनको उनसे अपील है कि एक बार जनता के लिए कुछ करे। ये नहीं बोल रहा मैं कि टोरेंट को भगा तो कोई नहीं सकता, लेकिन जनता कुछ तो करो, कुछ तो करो। हम परेशान सिर्फ टोरेंट की बिल से है, टोरेंट से परेशान नहीं, उसकी बिल से परेशान। जो भी आएगा वो पैसा लेगा, सही है, सही है। तो टोरेंट भी ले रहे हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा क्यों ले रहा है वाले मामा समझे और टोरेंट वाला समझे, हमको थोड़ा सा कुछ करके दो। ठीक है, अब मैं यही पूछ रहा था, बार बार एक बार और पूछूंगा, आखिरी बार पूछूंगा कि एमएलए में आपको कोई ऐसा चेहरा लग रहा है वेस्ट से कि नहीं यार ये आदमी आ जाएगा ना तो हमारा कोई नहीं है? मेरे आरिफ भाई की तरफ दिखा तो आरिफ भाई बोल रहा अभी तो कोई नहीं है सर, कोई नहीं चेहरा है। बोलो आरिफ भाई, बोलो। अभी कोई चेहरा नहीं है वैसे, कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो बीच में अभी जो सब नाम चल रहे हैं भाभी जो अपने आपको लगा रहे थे वो लगाएंगे बस, वो कोई काम का है नहीं भाई, जो भी पैसा लगाएगा वो पैसा लेगा। अगर पब्लिक को वोट के लिए पैसा देता है तो अपना पैसा कवर करेगा भाई। अभी 7-8 दिन पहले गणपति जब उठने आती थी बैठा रहे थे तो 8 दिन पहले वहाँ केमीएस के सामने रोड बना, राइट साइड आप यहाँ से जाओगे ना राइट मारोगे वहाँ से रोड बना है, लेफ्ट में केमियाज स्कूल के सामने क्यों नहीं रोड बनाए तुम? कोई हमसे दुश्मनी है क्या? स्कूल का रोड है वो, रोड बनाना चाहिए ना। देख के गुस्सा तो हुआ था लेकिन अभी करेंगे। थाना रोड की बात कर रहे हैं? हाँ थाना रोड की। तो काम चल रहा है, कॉन्क्रीट हो रहा है ना, तो कॉन्क्रीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा कुछ तो डेवलप करो भाई, जब तक नहीं हो रहा है कॉन्क्रीट का काम बंद है बारिश की वजह से। राइट में आप जाके देखो ना, राइट साइड बना है वो टन जो है सोनार की दुकान है, जो वहां से आप राइट मारोगे वहाँ काम किए, लेफ्ट में क्यों नहीं बना है भाई, स्कूल के सामने क्यों नहीं बना है, जाके देखो ना आप जी। वो मसला है ना, नहीं मैं देखो ये जो आप बोल रहे हो ना कि कुछ बना, अगर कहीं काम चालू है, मेरा ये बोलना, अगर कहीं काम चालू है ना तो डेफिनेटली यहाँ से पूरा करेंगे। काम चालू में अगर तकलीफ हो रही है आदमी को ना तो उसको बर्दाश्त करके लेना है। हाँ कुछ नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी ये रोड के जो है आप लोगों का जिसे अंदर आते हैं मतलब तो वो नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर आप बोल रहे हो आधा काम क्यों कर रहे हो, पूरा रोड कर दो ना वो डामर का, जब होगा कॉन्क्रीट तब होगा। ठीक है, आप आधा किए ना। आपको क्या लग रहा है कोई है चेहरा आपकी नजर में, जैसे कि अभी समझे जैसे कि महेश चौगले हो गया, रियाज आजमी हो गया, विलास पाटिल काफी एक्टिव है, तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब नहीं आएगा? कोई चेहरा नहीं है, हमारे तरफ से सिर्फ एक ही चेहरा था खाली गुड्डू साहब, वो कुछ शहर का विकास कर सकते थे, वो जब तक थे तब तक टोरेंट के लिए लड़े, उनको सियासत की वजह से अंदर कर दिया गया भाई, और वो अगर वो आएंगे अगर वो लड़ेंगे तो उनको वोट देंगे एमएलए में। खालिद गुड्डू के बारे में थोड़ा कुछ आप कि अगर वो आते हैं? नहीं, अगर देखा जाए जिस तरह आरिफ ने बोला कि खालिद गुड्डू एक बड़ा चेहरा है हमारे लिए, अभी लास्ट 5 ईयर्स एगो जो हमारे महेश चौगले साहब है वो ऑलरेडी हमारे एमएलए है चल रहे थे, तो वो मेरे ख्याल से समत नगर से रिजिबल टेलर है, यहाँ से वो कभी गुजरे नहीं होंगे कि खड्डे का एहसास उनको हो। मैं चाहता हूँ एक बार आकर वो खड्डे का मजा ले जिस तरह हम रोज लेते हैं, तो उससे ना कुछ डेवलपमेंट मिलेगा उनको कि भाई इतना करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर रोड है वो, यहाँ पे खड्डा होता तो मैं नहीं बोलता, लेकिन वो रेगुलर रोड है, सबको आना जाना है। तो महेश चौगले जी है और रईस शेख के जैसा अगर कोई चेहरा बनता है हमारे पास तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम पूरा समाज जो है हिंदू मुस्लिम का हम यूनिटी में लेकर उसको सपोर्ट करेंगे। हमारी महेश चौगले से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अच्छा, कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं उनको नहीं आने दूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कोई ऐसा बंदा आए जो हमारे रोड को, जो विजिबल टेलर से रोड कमला होटल की तरफ गया है, पूरा का पूरा खड्डा है, वहाँ पर हर बारिश में वहाँ पर स्विमिंग पूल बनता है, हम लोग नहाते हुए जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हरदम हर साल हम नहाए, कोई साल तो सूखा रहे। ठीक ठीक बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ भिवंडी की जनता को कि हर ईस्ट और वेस्ट के एमएलए को इस तरह चुने कि जिससे पब्लिक का भला हो, ना कि एक रोटी दो बूटी पे। ठीक है, बहुत बढ़िया।